हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड एंगल। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट सॉलिड एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, फिजिक्स में आपको बाकी रे ऑप्टिक्स मैकेनिक्स हर जगह मिलेगा, है ना। और इसके यूज से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जिसमें इंटीग्रेशन बहुत करना पड़ता है आपको, बहुत लंबा जाता है, उसको बहुत शॉर्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन को हम आज कुछ पहले इसको समझेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। और आपको बताऊंगा ये कितना यूजफुल टॉपिक है ना, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या बाकी फिजिक्स में। जब एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, नोट्स बनाइए, है ना। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक किया ही होगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल एक नया तरह का एंगल है। अभी तक जो हम एंगल पढ़ते आए हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो अभी तक हमने पढ़ा है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में क्या क्या हमने पढ़ा है, तो हम प्लेन एंगल की जब भी बात करते हैं हम एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, मान लो आपने ये सर्कल लिया और इस सर्कल का कोई आर्क, लेट सपोज ये आपने यहां से ये आर्क लिया, आर्क का लेंथ एल है और सर्कल का रेडियस आर है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एल बाय आर होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, एल बाय आर विल बी कांस्टेंट। और एल बाय आर जो कांस्टेंट है इसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल थीटा रेडियन। ठीक है, यहां पे एल और आर अगर कांस्टेंट है तो आप कहीं पे भी लेते, अगर आपने यहां पे ये आर्क लिया होता या आपने ये आर्क लिया होता, ठीक है, तो उसका क्या है, आर चेंज होगा एल भी चेंज होगा, है ना। इसका तीनों 1 2 3 तीनों आर्क के लिए एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अगर आप एल को चेंज करते हैं तो उसी रेशियो में क्या आर भी चेंज हो जाता है ना। इसके साइज पे भी, इसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मान लो आपने ऐसा आर्क लिया होता तब भी एंगल कितना, उतना ही होता। कहने का मतलब कि ये जो थीटा है ये एल और आर का रेशियो है जो कांस्टेंट होता है, और उसको कौन सा एंगल हम कहते हैं, प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है ये, प्लेन एंगल, करेक्ट है। अच्छा, इसका ये भी क्या होता है, चूंकि रेशियो है तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। This is dimensionless, ठीक है। अगर मान लो अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल क्या है कि आपने वहां पे सर्कल लिया था जो कि टू डायमेंशनल था, है ना। सर्कल कैसा फिगर है, टू डायमेंशनल। आप सर्कल मत लो, अब लो थ्री डायमेंशनल, आप स्फीयर लो। इस बार हम क्या लेंगे, इस बार हम एक स्फीयर लेते हैं। मान लो अगर आपने एक स्फीयर लिया, ऐसा स्फीयर कैसा है, थ्री डायमेंशनल है ना। और स्फीयर को अगर आपने, स्फीयर का कोई सरफेस लिया, मान लो आपने स्फीयर का ये सरफेस लिया है, ऐसा यहां पे ये सरफेस स्फीयर का ऐसा ले लिया, ठीक है। कौन सा सरफेस लिया, ये वाला सरफेस जो मैं यहां पे मैंने सेडिट किया, ये सरफेस लिया, ठीक है। अब ये सरफेस स्फीयर के सेंटर पे, ठीक है, ये क्या बन गया, कोण बन गया, है ना। कोण कैसे बना, स्फीयर से आपने एक स्फीयर को आपने ऐसे कट किया। अब ये जो सरफेस है यहां पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल में हम एक लाइन से इसको करते हैं रिप्रेजेंट, लेकिन ये क्या है, यहां पे दो लाइन, मतलब ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कैसा एंगल है, ये थ्री डायमेंशनल एंगल है। तो ये जो एंगल है यहां पे, दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। और ये कहां से बना, ठीक है, ये कौन सा, कैसा फिगर है, ये कोण है, क्या है, ये कोण। यानी सॉलिड एंगल को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सॉलिड एंगल इज द एंगल, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए कोण, लेटरल सरफेस ऑफ ए कोण, ठीक है, लेटरल सरफेस ऑफ ए कोण एट इट्स वर्टेक्स, ठीक है। स्फीयर से आपने क्या निकाला, कोण निकाला, है ना,
स्फीयर को हटा दो। अब देखो आप कोण कैसा, आप इमेजिन करो कोण का जो लेटरल सरफेस है ना, चारों तरफ जो सरफेस है, आप इमेजिन करो आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो लेटरल सरफेस होता है ना, आइसक्रीम का ये टॉप है, तो आइसक्रीम का कैसा फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो आइसक्रीम का जो वर्टेक्स है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वहां पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, या जब आप भेलपुरी खाते हो तो एक बना के देते हैं ना, तो ऐसे घुमाते हैं वो, ठीक है, जितना ज्यादा वो एंगल होगा उसमें उतना ज्यादा भेलपुरी आएगा, समझ में आ रही बात। तो वो जो भेलपुरी जब आप खाते हो तो इस पर ध्यान से देखना, तो वो जो एंगल है, ठीक है, जो लेटरल सरफेस से बनता है उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, है ना। और ये कोण का क्या है, वर्टेक्स है, और ये क्या है, अब इसमें इसका वैल्यू तो चलो एल बाय आर का रेशियो था, इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल इस सरफेस ने बनाया, इस सरफेस को मैं मान लो एस वन लिखता हूं, ठीक है, और इसका ये डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये आर वन उस स्फीयर का रेडियस है जिससे आपने ये कोण बनाया है, ठीक है। अगर आपने एक दूसरा सरफेस यहां लिया होता, मान लो कि आपने एक दूसरा सरफेस यहां पे ले लिया, ठीक है, ये एस टू है और इसका ये डिस्टेंस मान लो आर टू है, ठीक है, तो जैसे यहां पे एल और आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, वैसे ही इस वाले केस में ये जो आपने सरफेस लिया है उसका एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, एस वन, एस वन क्या है इस सरफेस का एरिया, और आर वन क्या है उस स्फीयर का रेडियस जिससे आपने ये निकाला है, आर मतलब स्फीयर का डिस्टेंस कहां से, वर्टेक्स, तो एस वन बाय आर वन स्क्वायर। अब देखो ये यहां पे कांस्टेंट होगा, दूसरे सरफेस के लिए एस टू, एस टू एरिया हो गया, ठीक है, एरिया कम है, थोड़ा सा कम हो गया तो डिस्टेंस भी कम हो गया, मतलब एस टू बाय इस बार आर टू स्क्वायर करेंगे, ये जो होगा दिस विल बी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। मतलब यहां पे प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था, एल बाय आर, तो यहां पे सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल का फॉर्म, इसको लिखते हैं ऐसे ओम से, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस बाय आर स्क्वायर, बस एस जो सरफेस आपने लिया है उसका एरिया, और उससे डिस्टेंस कहां, कहां का डिस्टेंस, जहां पे आप जो वर्टेक्स है, जहां पे आप सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या डिस्टेंस को आप ऐसे समझो कि जिस स्फीयर से आपने वो कोण काट के निकाला है उसका रेडियस, है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन, प्लेन एंगल क्या होता है रेडियन, इसका क्या होता है स्टेरेडियन, ठीक है, थोड़ा सा फील आया, थोड़ा सा माहौल बना इसका, ठीक है। देखो अभी मैं और फील कराता हूं, अभी आप इसको और अच्छे समझो, मान लो कि चलो ऐसे एक बनाते, एक डायग्राम बनाते हैं, देखो मान लो कि ये एक कोन है और सरफेस कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ये सरफेस मान लो कोई सरफेस ये एक्स है, और एक जो है आपने बिल्कुल अच्छे से जो बनाया था एक ये सरफेस है, ठीक है, इन दोनों का क्या कोण एंगल यहां पे अगर आप निकालोगे सॉलिड एंगल, तो क्या इन दोनों का सॉलिड एंगल डिफरेंट होगा या सेम होगा, तो जाहिर है कि सेम होगा, जैसे वहां पे मैंने बताया था कि एल कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही यहां पे ये सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, अगर मान लो ये एस सरफेस है ये एस डैश सरफेस है, तो दोनों का यहां पे सॉलिड एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और ये सेम क्यों होता है, क्योंकि एस बाय आर स्क्वायर का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है ना, कैसा एंगल है ये, थ्री डायमेंशनल एंगल है, प्लेन एंगल कैसा एंगल होता है, टू डायमेंशनल। अगर मान लो कि मैंने इसको, इस सरफेस को थोड़ा ऐसा बना दिया, देखो ध्यान से, है ना, ऐसा थोड़ा ऐसे बना दिया तिरछा, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है ऐसा कुछ, ठीक है, ये मान लो एस डैश, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसका जो यहां से डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस
मान लो आर है और ये डिस्टेंस आर डैश, तो सरफेस को इस बार आपने थोड़ा टिल्टेड कर दिया ऐसे, तो क्या इसका सॉलिड एंगल चेंज हुआ या वही रहा? सॉलिड एंगल तो वही है, इसमें कोई चेंज आया क्या? यानी सरफेस को आप टिल्टेड भी कर दिया तब भी सॉलिड एंगल वही है। यहां पे ये वाला जो सरफेस है ये नॉर्मल है बिल्कुल, किस पे नॉर्मल है? रेडियस के नॉर्मल है ना, ये ऐसे है, ये रेडियस है, नॉर्मल है। इसका भी वही सॉलिड एंगल है, इसका भी वही सॉलिड एंगल है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब आप फॉर्मूला लिखोगे, जब आप वो लिखोगे तो सॉलिड एंगल इक्वल टू पहले वाले के लिए क्या लिखोगे? एस डैश बाय आर डैश स्क्वायर। लेकिन दूसरे वाले, सॉरी ये एस है ना, ये मैंने एस लिया, चला ठीक है, इसको एस कर, एस डैश बाय आर डैश स्क्वायर, और इसका एस नहीं लेंगे, इसका क्या लेंगे? इसका वो कॉम्पोनेंट लेंगे जो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे? एस, अगर ये थीटा इधर कितना हो जाएगा? एस कॉस थीटा, दैट मीन्स एस एस कॉस थीटा बाय आर। सॉलिड एंगल वही है, फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो कौन सा एरिया लेंगे जो रेडियस के परपेंडिकुलर है वो एरिया लेंगे, अगर एरिया कुछ एंगल बना रहा है रेडियस से तो हमेशा उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ले लेना है, ठीक है, समझ में आई बात? ओके। अब स्फीयर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आपने समझा है ना, थोड़ा सा और इसका ये लगाओ, पहले मुझे बताओ कि ये इसका कुछ डायमेंशन होगा कि, अब देखो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एरिया है एल स्क्वायर, यहां पे भी आपने ये लेंथ है, इसका भी एल स्क्वायर, तो सॉलिड एंगल भी कैसा क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलो इतना समझ में आ गया। अब एक दो एग्जांपल मैं लेता हूं, आप मुझे बताओ कितना सॉलिड एंगल होगा, उसके बाद हम वापस फिर जाएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे। मान लो कि मैंने बोला कि एक हेमिस्फीयर है ना, अभी आपने मान लो कि मैंने एक हेमिस्फीयर लिया सर, चलो मान लो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और मैंने पूछा कि इस हेमिस्फीयर का इसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल है वो बताओ, ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बाय हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर कितना हो जाएगा? तो सॉलिड एंगल हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है? 2πr² मान लो ये r, इसका हर पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस ही दूर है, तो 2πr² / r² मतलब कितना स्टेरेडियन? 2π स्टेरेडियन, दैट मीन्स सॉलिड एंगल मेड बाय ए हेमिस्फीयर, ठीक है, एट इट्स सेंटर है ना, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा? 2π। आप ध्यान से समझ सकते हो इसको है ना, कि अगर ये थ्री डायमेंशनल फिगर है और ये लाइन है तो इधर से पाई और इधर से पाई कितना हो गया? 2π, 2π स्टेरेडियन। अगर मान लो ये कौन, ये क्या था? हेमिस्फीयर था, अगर मैंने बोला नहीं पूरा स्फीयर ले लो, ठीक है, देखो अगर मैंने बोला कि पूरा स्फीयर ले लो, इसको इधर करते हैं, तो कितना होगा? पूरा इस कंप्लीट आपने स्फीयर ले लिया और आप निकाल रहे हो उसका सॉलिड एंगल सेंटर पे, कितना हो जाएगा? तो अगर मान लो इसका रेडियस r है तो पूरा एरिया कितना हो गया? 4πr², ठीक है, डिवाइडेड बाय r² कितना हो गया? 4π स्टेरेडियन, यानी एक कंप्लीट स्फीयर, जब मैं बोलता हूं कंप्लीट स्फीयर तो ये कैसा सरफेस है? ये क्लोज सरफेस है, क्लोज है ना, तो कोई भी क्लोज सरफेस, ठीक है, या चलो पहले स्फीयर समझ लो, कोई भी स्फीयर सेंटर पे कितना बनाएगा सॉलिड एंगल? 4π स्टेरेडियन है ना। अब मुझे बताओ अगर मैंने स्फीयर का साइज छोटा कर दिया ऐसा, तो क्या सॉलिड एंगल चेंज होगा जो बन रहा है सेंटर पे? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें r का भी जिक्र ही नहीं है, आपने और छोटा कर दिया या आपने बड़ा कर दिया, स्फीयर किसी भी शेप का हो, स्फीयर मान लो ये ऐसा ऐसा कुछ है, मान लो स्फीयर का ऐसा कुछ शेप है,
क्लोज सरफेस का ऐसा शेप है, तब भी इसके सेंटर पे कितना होगा सॉलिड एंगल, 4 पाई होगा, क्योंकि इससे शेप और साइज का कुछ पता नहीं चलता है। चलता है क्या? अच्छा, अगर मान लो कि ये क्यूब होता, थ्री डायमेंशनल फिगर में मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है, अगर ये क्यूब है तब कितना होता सॉलिड एंगल, ठीक है, तब भी सॉलिड एंगल उतना ही होता, कितना, 4 पाई। यानी कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि द सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल एट द सेंटर मेड बाय एनी क्लोज सरफेस, मेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस, कैसा भी सरफेस हो, ठीक है, कितना होगा इसका वैल्यू, 4 पाई स्टेरेडियन। अभी गॉस लॉ को जब अप्लाई करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ भी किसी क्लोज सरफेस के बारे में ही बात करता है कि नहीं। आप बोलोगे कि किसी भी क्लोज सरफेस का कैसे 4 पाई होगा, तो प्लेन एंगल का लॉजिक लगाओ, जब प्लेन एंगल में जब आप घूमते हो, पूरा घूमते हो, तो कितना एंगल बनता है, 2 पाई। लाइन कैसा है ये तो आप नहीं पूछते हो, आपको मालूम है कि कोई भी लाइन अगर पूरा घूम जाएगा तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई। वैसे भी अगर कोई सरफेस आपने पूरा ले लिया, क्लोज कर दिया, तो एंगल कितना बनेगा, सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन, क्योंकि एस और आर स्क्वायर का रेशियो हमेशा सेम रहेगा और वो कितना आएगा, 4। ठीक है, थोड़ा और फील आया। अच्छा, अब मैंने आपको प्लेन एंगल समझाया, सॉलिड एंगल समझाया, तो आप पूछ सकते हैं क्या कोई रिलेशन होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में? तो रिलेशन होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच का रिलेशन क्या है, ओके। तो चलो अब हम रिलेशन निकालते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। मान लो एक स्फीयर, से आपने ये कोन बनाया है, ठीक है, स्फीयर का सेंटर कहां पे था, ओ, है ना, और रेडियस कितना है, आर। तो जो कोन है उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर है कि नहीं। तो ओ पे कितना, वो कोन से कितना सॉलिड एंगल बन रहा है वो निकालते हैं। थीटा दिया हुआ है, थीटा कौन सा एंगल है, सेमी वर्टेक्स एंगल, क्या बोलते हैं इसको, सेमी वर्टेक्स एंगल, जो प्लेन एंगल है ना। प्लेन एंगल कितना है, थीटा, और सॉलिड एंगल मान लो मैंने यहां पे बनाया है, इन दोनों का रिलेशन हमें फाइंड करना है ना। हम क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला मालूम है, सॉलिड एंगल इक्वल टू एस बाय आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ये कौन सा सरफेस है। तो अगर मान लो कि आपने इस स्फीयर से काट के यहां पे निकाला है, तो ये जो एरिया यहां पे बना, ये एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने बनाया है वो यही एरिया है, ठीक है। तो मेन जो प्रोसेस है उस एरिया को निकालने के लिए, है ना। एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो एरिया कैसे निकालते हैं, मान लो कि आपने एक एलिमेंट यहां पे लिया, ठीक है, एक छोटा सा कोई मान लो एक, ठीक है, यहां पे, या इसको चलो ऐसे समझते हैं, थोड़ा सिंपल इधर मैं लिखता हूं थीटा। मान लो कि ये जो लाइन है इससे थीटा एंगल पे आपने एक पॉइंट यहां लिया, ठीक है, और उसको थोड़ा सा उसी एंगल को थोड़ा सा बढ़ा के आपने उसको एक एलिमेंट बनाया ऐसे, है ना। यानी ये एंगल जो थीटा मैंने ऑलरेडी ले लिया है, इसको अल्फा लेते हैं, और ये जो बीच का एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल मान लो डी अल्फा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, डी अल्फा। तो अब आप देखो, तो आपको एक एलिमेंट मिल गया यहां पे ऐसा, ठीक है। ये जो एलिमेंट मिला, मतलब उस स्फीयर में, देखो स्फीयर कैसा, स्फीयर से आपने काट के ये बनाया है सरफेस,
तो सरफेस वो चारों तरफ है ना। आपको ये जो दिख रहा है, ये जो मैंने एलिमेंट बनाया आपको सामने दिख रहा है, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, लेकिन ये अंदर है पूरा भी, ऐसे है ये, ठीक है। तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका रेडियस कितना होगा, रेडियस से भी निकालेंगे, और अगर ये आर है पूरा, ये डिस्टेंस कितना है आर है, और बीच का एंगल कितना है डी अल्फा, यानी ये जो थिकनेस होगा ये कितना होगा आर इंटू डी अल्फा, ठीक है। क्योंकि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू यहां पे जो भी आर बनेगा डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर का लेंथ कितना हो जाएगा आर इंटू डी अल्फा, लेंथ ऑफ आर विल बी आर इंटू डी अल्फा, ठीक है। ये एक्चुअल में ये जो ऊपर एक कटोरा बना है ना, ठीक है, आप मान के चलो कि कोई आप एक सरफेस ऐसा लिया है आपने, इस सरफेस पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट निकाला है ना, एक थीटा एंगल पे, और थोड़ा उसका थीटा से बढ़ा के आपने क्या कर दिया, उसको डी थीटा कर दिया। तो ये जो एलिमेंटल पार्ट है इसका एरिया निकालेंगे, और उसी को अगर हम पूरा कर देंगे इंटीग्रेट, अभी आपने अल्फा एंगल पे निकाला है, उसी को अगर जीरो से आप थीटा तक कर दो इंटीग्रेट, तो पूरा एरिया निकल जाए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना। तो सबसे पहले बात, इसका एरिया होगा कितना, अच्छा ये कैसा है, तो ये पूरा सर्कुलर है ना, यानी कंप्लीट है, ये ऐसा है। अगर मैंने इसको यहां पे ऐसा बनाया तो जो आपको दिख रहा है, जो एलिमेंट आपने लिया है वो ऐसा है, ठीक है, आपको सामने वाला पार्ट इस तरह दिख रहा है। इसका थिकनेस कितना है आर डी अल्फा, और इसका रेडियस कितना होगा, देखो ये एंगल अल्फा लिया आपने और ये आर है, तो ये जब इसका यहां से आप इसका रेडियस निकालोगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अल्फा है और ये आर है, दिस इज आर, तो ये कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा, ठीक है, सामने वाला साइड है ना, परपेंडिकुलर है, तो अगर ये हाइपोटेनस आर है और एंगल अल्फा है तो कितना रेडियस हो गया आर साइन अल्फा, ठीक है, कितना इसका रेडियस हो गया आर साइन अल्फा। तो इसका एरिया कितना हुआ, फिर अगर इसकी एरिया को अगर मैं डी एस लिखूं तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया टू पाई आर साइन अल्फा, ठीक है, दिस इज लेंथ सर्कमफेरेंस, और ब्रेथ कितना है, कितना विड्थ आपने लिया है आर डी अल्फा, ठीक है, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय आर डी अल्फा, तो एंगल कितना हो गया पूरा, एरिया कितना हो गया पूरा टू पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। ये स्फीयर के इस पार्ट का जो ऊपर जो सरफेस आपने लिया है, स्फीयर के ऊपर जो आपने सरफेस लिया है छोटा सा एलिमेंट, उसका एरिया आया। अगर इस पूरे का एरिया चाहिए तो आपको, अगर आपने ये जो निकाला है इसका पूरा एरिया चाहिए तो इसी को कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, साइन अल्फा डी अल्फा, कहां से कहां तक करेंगे इंटीग्रेट, तो पहला मैक्स जो पॉइंट आएगा वो यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, यानी जो मिनिमम सरफेस लिया आपने वो यहां लिया और जो मैक्सिमम लिया वो यहां पे लिया, मतलब कितना एंगल जीरो से थीटा, तो जीरो से थीटा आपने कर दिया इसको इंटीग्रेट। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, कहां से कहां तक, जीरो से थीटा, तो क्या हो जाएगा एस का वैल्यू क्या हो गया टू पाई आर स्क्वायर, देखो कॉस चूंकि माइनस है तो जीरो पहले आ जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा कॉस जीरो वन, यानी वन माइनस कॉस थीटा, दिस इज सॉलिड, दिस इज द एरिया, अभी सॉलिड एंगल नहीं निकला, ये क्या निकला है जो ऊपर जो पार्ट है इसका एरिया, ये जो पार्ट आपने स्फीयर से निकाला है इस पार्ट का एरिया निकल गया, और इस पार्ट का एरिया कितना निकला टू पाई आर स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। स्फीयर के किसी भी पार्ट को अगर आपको एंगल मालूम है, सेमी वर्टेक्स एंगल, अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो आप उसको एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकलने के बाद आपका सॉलिड एंगल निकलना आसान हो जाएगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, क्या लिखा है एस बाय आर स्क्वायर, एस बाय आर स्क्वायर,
दैट मीन्स सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल ओम एंड प्लेन एंगल थीटा, ठीक है। क्या रिलेशन आया फाइनली, तो रिलेशन आया ओम इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, दैट मीन्स सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ प्लेन एंगल। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर मान लो ये हेमिस्फीयर होता, ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए आप कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे, यानी एंगल कहां से कहां ले गया, है ना। ये एंगल आप ध्यान से देखो, ये एंगल यहां पे, यहां से अगर आप ले आते, यहां से स्टार्ट करोगे तो हेमिस्फीयर बनाने के लिए आप कहां तक आएंगे, 0 से 90 आ गए, 0 से 90, तो एंगल यहां पर 90 कर दो। तो अगर मान लो आपने हेमिस्फीयर लिया होता तो हेमिस्फीयर में ये एंगल 90 कर दो, ठीक है, तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई, अभी मैंने आपको समझाया था 2 पाई होता है हेमिस्फीयर का। अगर मान लो आपको कंप्लीट स्फीयर चाहिए, तो कंप्लीट स्फीयर लेना है अगर आपको, तो कहां एंगल कहां से कहां करोगे, 0 से 180, देखो पूरा घूम जाओगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, यानी थीटा की जगह में आप क्या लिख दो कॉस, थीटा की जगह में क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो अगर आपने कंप्लीट स्फीयर लिया, ठीक है, फॉर स्फीयर, तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 क्या होता है माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कितना आएगा 4 पाई। ये मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था फॉर्मूला से, और इस रिलेशन को भी आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिक जो है आपको क्या याद रखना है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आज समझाया, इस पे हम कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको आपने जब आप पहले आपने सॉल्व किया होगा तो बहुत इंटीग्रेशन का यूज किया होगा। देखो सॉलिड एंगल से कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीके से बनेगा। मान लो कि आपको दिया हुआ एक डिस्क है, और डिस्क के एक्सिस पे से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, यहां पे आपने एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ नेट फ्लक्स थ्रू द डिस्क, नेट फ्लक्स है ना थ्रू द डिस्क कितना होगा। तो आप इसको सॉलिड एंगल के टर्म में समझो, अगर आपने ये सरफेस क्लोज किया, ठीक है, डिस्क को इस पॉइंट से चारों तरफ से आपने क्लोज किया तो क्या बन गया, कौन बन गया, बन गया कि नहीं। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये कौन सा एंगल है, सेमी वर्टेक्स एंगल, डिस्क का मान लो आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क का रेडियस दिया हुआ है ए, करेक्ट है, ओके। तो क्लोज सरफेस पे है ना, अब ये सरफेस को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया ना, तो क्लोज सरफेस पे फ्लक्स कितना होता है, क्लोज सरफेस पे फ्लक्स होता है कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लोज जब मैं बोलता हूं, क्लोज सरफेस मतलब कितना रेडियन, कितना कोई भी क्लोज सरफेस पे सेंटर में कितना एंगल बनता है, 4 पाई से रेडियन, तो 4 पाई से रेडियन में कितना फ्लक्स हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। आपका कितना एंगल है यहां पे, आपका सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई जब होता है सॉलिड एंगल तो कितना फ्लक्स होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका कितना है यहां पे, तो यहां अभी आपने निकाला अगर ये एंगल थीटा है तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी अगर इतना सॉलिड एंगल है तो कितना फ्लक्स होगा, 4 पाई में कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 में कितना हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी आपका कितना है, अभी आपका है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला सीधा सीधा आ गया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा।
कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस ये आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पहले बहुत इंटीग्रेट करके आया था लंबे प्रोसेस से, सॉलिड एंगल में ये दो स्टेप में आता है, दिस विल बी फ्लक्स थ्रू द नेट, थ्रू द नेट फ्लक्स थ्रू द गिवन डिस्क। एक और एग्जांपल लो, चलो मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो कि आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर का लेंथ एल है और रेडियस मान लो आर है, और उसके सेंटर पे यहां पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। इसको भी पहले सॉल्व करने में हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता था, लेकिन यहां पे देखो ये आसान, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से वही निकालो, ये एंगल क्या है थीटा, यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल बाय टू और ये क्या हो गया आर, ठीक है। तो इस तरफ कुछ फ्लक्स इस तरफ होगा, कुछ फ्लक्स इधर होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा, जितना फ्लक्स इधर होगा उतना ही फ्लक्स इधर होगा। तो नेट फ्लक्स जब निकालना है तो इधर जो आप फ्लक्स निकाल रहे हो उसी को टू से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नेट फ्लक्स इक्वल टू पहले मैंने कर दिया टू इन टू, ठीक है, और बाकी ये अभी आपने निकाला था ना, कितना निकाला था आपने, ये कितना निकाला था, फिर से वही उसी कॉन्सेप्ट कि पूरा अगर 4π स्ट्रेन होता है, 4π होता है तो कितना होता, सॉलिड एंगल होता है तो कितना फ्लक्स होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट, और अभी कितना सॉलिड एंगल है, अभी है 2π 1 माइनस कॉस थीटा, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू 2π 1 माइनस कॉस थीटा, दैट मींस ये क्या हो गया q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस कॉस थीटा, यही ना, यही फ्लक्स इधर निकला, इतना ही फ्लक्स इधर भी होगा तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टू इंटू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू प्रूव करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, इस बार ये एल बाय टू है, एल बाय टू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट एल बाय टू का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बाय फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना, दिस विल बी नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इतना ही नेट फ्लक्स, इतना ही फ्लक्स होगा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल से आपको ये दो स्टेप में बन गया, लेकिन आप इंटीग्रेट करते तो बहुत लंबा जाता, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें क्या, एक देखो अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूं, है ना, मजा आएगा आपको, लेकिन सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व होगा, लेकिन वो अपने आप में वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। देखो चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है लेकिन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से। मान लो एक प्लस क्यू वन चार्ज है और एक माइनस क्यू टू चार्ज है, ठीक है, आपको बोला गया है कि प्लस क्यू वन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, ठीक है, और किस एंगल पर निकलता है, थीटा एंगल पे, और वो टर्मिनेट होता है Q2 पे, किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे, ठीक है। आपको बताना है कि अगर Q2 थीटा एंगल से ये यहां से निकल रहा है तो जो टर्मिनेट होता है Q2 पे वो एंगल अल्फा बताओ, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, या रिलेशन बिटवीन Q1 Q2, ये चार टर्म है यहां पे, थीटा है, अल्फा है, Q1 है, Q2 है, इन चारों का क्या रिलेशन होता है, आपसे थीटा और अल्फा का रेशियो पूछ सकता है, आपसे Q1 और Q2 का रेशियो पूछ सकता है ना। क्वेश्चन समझ में आया, एक चार्ज प्लस Q1 है, एक चार्ज इधर माइनस Q2 है, प्लस Q1 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है थीटा एंगल पे, तो वो किस एंगल पे जाके टर्मिनेट होगा Q2 पे, ठीक है। अब इसको देखो मैं सॉलिड एंगल से आपको समझाता हूं, आपको मालूम है कि जब आप फ्लक्स का जो वैल्यू है ना, आपको क्या मालूम है कि फ्लक्स का जो वैल्यू है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो फ्लक्स इज, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसका
अगर आप यहां पे निकालोगे और टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, देखो जब मैं बोलता हूं फ्लक्स इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में आई बात। और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन, ठीक है। तो अगर आप यहां पे फ्लक्स निकालो, यहां से कितना लाइन निकल रहा है ना, अगर मैं ये निकालूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम क्यू वन, कमिंग फ्रॉम प्लस क्यू वन, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, फ्लक्स पूछ रहा हूं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या आना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला है ना, आपको मालूम है कि पूरा कंप्लीट सरफेस होता, अगर फोर पाई सॉलिड एंगल बनता, क्लोज सरफेस होता, ठीक है, तो फोर पाई सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू वन लिखता हूं इसको, क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो क्लोज सरफेस नहीं है, यानी यहां पे कितना सॉलिड एंगल है, यहां पे है टू पाई वन माइनस कॉस थीटा, तो यहां पे कितना फ्लक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई वन माइनस कॉस थीटा, टू पाई आपने कैंसिल किया, फिर से वही फॉर्मूला आया क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू वन है, क्यू वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। ये क्या है, क्यू वन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, कितना निकल रहा है, तो क्यू वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। अगर मैं बोलूं कितना फील्ड लाइंस है ना, नंबर ऑफ लाइंस टर्मिनेटिंग एट माइनस क्यू टू, ठीक है, तो ये उसका फ्लक्स है, और उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q1 के जगह में क्या लिख दोगे आप, Q2, दैट मीन्स Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस बार एंगल अलग है, वहां पे एंगल क्या है अल्फा, सेमी वर्टेक्स एंगल क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। जाहिर है कि Q1 से जितना भी लाइन निकलेगा वो Q2 पे एंटर होगा, तो नंबर ऑफ लाइंस कमिंग फ्रॉम Q1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस टर्मिनेटिंग एट Q2, यानी ये दोनों एक्चुअल में इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आप क्या लिखोगे, Q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको क्या लिखेंगे, Q2 को 1 माइनस कॉस अल्फा को इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 2 कैंसिल, करेक्ट है। दैट मींस आपको इक्वेशन क्या मिला, आपको ये अल्फा बाय 2 चाहिए था ना, ठीक है, तो इसका ये बन जाएगा साइन Q1 बाय Q2, Q इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो ये रिजल्ट याद रखो आप, इसमें से कुछ भी आपसे पूछे, Q1 Q2 अल्फा थीटा आप यहां से निकाल सकते हो, मतलब चार्ज का रेशियो Q1 Q2 का रेशियो पूछे ये आंसर है, एंगल का रेशियो भी आप यहां से निकाल सकते हो। मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था ये अल्फा बताओ, तो अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, बोलो यहां पे अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 इक्वल टू इधर ले आओ अंडर रूट क्यू वन बाय क्यू टू इंटू साइन थीटा बाय 2, ऐसे आप ये फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी चारों में से कुछ भी दिया है, ठीक है, इसको नोट करो। मान लो मैंने आपको सिंपल सा एक पूछा, मैंने आपको इसी पे पूछा, इसी क्वेश्चन पे, चलो इसी क्वेश्चन पे मुझे जल्दी से आंसर बताओ आप। मान लो कि ये आपका प्लस 2 कूलम है और ये माइनस 6 कूलम है और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री,
या चलो ये एंगल 30 लेते हैं या 60 लेते हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है और आपसे पूछे कि बताओ अल्फा कितना होगा। सेम फॉर्मूला देखो, साइन अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाय Q2। Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 6 इंटू साइन थीटा बाय 2 मतलब 60 बाय 2। ठीक है, यानी साइन अल्फा बाय 2 का वैल्यू क्या आया, साइन अल्फा बाय 2 का वैल्यू आया 1 बाय रूट 3 इंटू साइन 30 कितना होता है 1 बाय 2। दैट मीन्स साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 3। करेक्ट है, तो साइन अल्फा कितना हो गया, अल्फा बाय 2 कितना हो गया, अल्फा बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 2 रूट 3। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बाय 2 रूट 3। तो अगर इस एंगल 60 डिग्री एंगल से यहां निकल रहा है तो वहां पे टर्मिनेट इस एंगल से होगा। ठीक है, तो देखो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, रिवाइज करो, कोई भी डाउट हो तो पूछो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है।